घटना में कल जो मृतक थे उनका पोस्टमार्टम करके और शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है और चार व्यक्तियों को अभी तक दस्तयाब किया गया है और जो दो व्यक्ति जो अभियुक्त हैं दिनेश और हनुमान उनके विरुद्ध मेरे द्वारा 50,000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई है। शेष अपराधियों के विरुद्ध भी जिला स्तर पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। हमारी कोशिश है कि इन सभी मुलजिमों को शीघ्र गिरफ्तार करेंगे और इनके खिलाफ अक्टूबर 2023 में थाना परवसर में भी 4 प्रकरण दर्ज थे जिनमें इनका अभी तक चालान पेंडिंग है, कार्रवाई पूर्ण नहीं हुई थी। जितने भी इनके खिलाफ जो केसेज पेंडिंग है उन सभी केसेज में कठोर कार्रवाई करते हुए उनको केस ऑफिसर में लेकर उनको सजा कराएंगे और जितनी भी कार्रवाई हो सकती है जिनको मुलजिमों को शरण देने में उनको प्रश्रय देने में जो जो अपराध कारित किया वो सभी अभियुक्त हम गिरफ्तार करेंगे। जिनने भी इसको संरक्षण दिया है या शरण दी है तो ऐसे व्यक्तियों को भी हम चिन्हित करके गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। तत्काल सेक्टर जो एडिशनल एसपी उनको मौके पे भेजा गया था और तत्काल कम से कम 6 व्हीकल वहाँ पे मौके से या जहाँ भागते हुए को पकड़ा था 2 लोगों को और 6 व्हीकल इसमें एक स्कॉर्पियो एक JCB और एक वरना गाड़ी और एक बोलेरो सीज की गई थी और अब तक 4 लोगों को दस्तयाब किया गया जिनमें से 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। घटना में कल जो मृतक थे उनका पोस्टमार्टम करके और शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है और 4 व्यक्तियों को अभी तक दस्तयाब किया गया है और जो 2 व्यक्ति जो अभियुक्त हैं दिनेश और हनुमान उनके विरुद्ध मेरे द्वारा 50,000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई है। शेष अपराधियों के विरुद्ध भी जिला स्तर पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। हमारी कोशिश है कि इन सभी मुलजिमों को शीघ्र गिरफ्तार करेंगे और इनके खिलाफ अक्टूबर 2023 में थाना परवसर में भी 4 प्रकरण दर्ज थे जिनमें इनका अभी तक चालान पेंडिंग है, कार्रवाई पूर्ण नहीं हुई थी। जितने भी इनके खिलाफ जो केसेज पेंडिंग है उन सभी केसेज में कठोर कार्रवाई करते हुए उनको केस ऑफिसर में लेकर उनको सजा कराएंगे और जितनी भी कार्रवाई हो सकती है जिनको मुलजिमों को शरण देने में उनको प्रश्रय देने में जो जो अपराध कारित किया वो सभी अभियुक्त हम गिरफ्तार करेंगे। जिनने भी इसको संरक्षण दिया है या शरण दी है वो ऐसे व्यक्तियों को भी हम चिन्हित करके और गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। इस बारे में हम विस्तृत जांच करें, इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लियर होंगी, पर मैंने आपको जो बताया कि ये तो आप बड़ा चीज़ बता रहे हो, इसके अलावा मैं कह रहा हूँ जो संरक्षण देने में प्रोत्साहित करने में या फैसिलिटेट करने में जो भी जिस व्यक्ति ने जो मदद की है जहाँ जहाँ पानी पिया है जहाँ जहाँ जाकर के रुके हैं वो सारे व्यक्ति अभियुक्त बनेंगे और गिरफ्तार होंगे।